साथ ही देखा है, तो ये ना एक पार्सल आया हुआ है दराज से, तो पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं चल रहा, बट प्राइस लिखी हुई है, अब समझ नहीं आ रही कब मंगवाया क्या रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस बच्चे आज तैयार हैं, मॉर्निंग हो चुकी है संडे की, और आज हम जा रहे हैं नानों के घर और दादों के घर बच्चों की। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बच्चे कहते हैं जी हमने जाना है, शॉप पे आ चुका हूँ, शॉप पे काम कर लिया, हम सब बैठा हुआ था तो अपनी पबजी चला रहा है, तो अभी कुछ ही देर बाद निकलते हैं, गाड़ी हमारी तैयार है, ये देखें निकालते हैं और जा रहे हैं हम। हमारे साथ आज हमारी अम्मी जान भी हैं, तो उनको भी लेके जाना है, वो आई थी आज यहाँ हमसे मिलने, क्योंकि सोनू पास हुआ है, फर्स्ट आया है, बाकी बच्चे पास हुए हैं, तो इनको मुबारकबाद देने। तो बस अभी कुछ ही देर में गाड़ी निकाल रहे हैं और निकलते हैं, तो लेट्स गो ते चलो। नन अमु मर दो हर सुगा ऑफ सची चंदने बनान दानन इयागी का नर पोनन सुंगान इहे गा द्वेसो मे बन या या या। खाना खा लिया, तो इधर आए थे भाईजान के घर, तो खाना वाना खा लिया, बच्चे आ गए खेल कूद के, अब हम जा रहे हैं इनकी नानों घर, तो वहाँ जाके करते हैं कुछ ये एंजॉय और मिलते हैं नानों से, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ जी सोनू भाई चलें जी, ओके लेट्स गो ते चल। नन अमु मर्दो हर सुगा ऑप्सची चंदने बनान दानन इयागी का नर पोनन सुंगान ई। आ चुके हैं अपनी बच्चों अपने बच्चों की नानों घर, यानी हमारी सासू माँ के घर, और यहाँ पे आगे हमने पहन ली ऐनक, यहाँ पड़ी थी एक ऐनक, तो हमने पहन के मैं देखता हूँ वीडियो कैसी बनती है इसमें। ये बच्चे बैठे हैं नानों घर आए हो, और ये कौन है बच्चा? फरहाद इलाही, शर्मा रहे हो जी, कहाँ आए हो? नानों के घर। गाइस आज हंगामी जो है ना वो दौरा था अपने फार्म हाउस पे, तो आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ जो है ना आने का मकसद ये था कि काफ़ी अरसा हो गया हमारे पौधों को पानी नहीं लगा था, पानी लगाना था सिर्फ ये मकसद था, तो उसके अलावा जो है ना कुछ यहाँ के काम थे वो करने थे, बिजली का बिल जमा कराना था यहाँ का फार्म हाउस का, और उसको बेसिकली जमा कराना इतना मुश्किल नहीं, वो तो वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसको निकलवाना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गाइस यहाँ पे आके जो है ना काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, आज समझ लें यहाँ पर छुट्टी अपनी एक्सपेंस फाइव वगैरह होगी है, सब कुछ कर लिया है, तो यहाँ पर जो है ना अपने इस वक्त मैं वो उसमें हूँ ड्राइंग रूम में, यहाँ बैठे हुए थे, तो अभी कुछ ही देर में बस खाना तैयार करके लेके आए हैं वहाँ से, बस वो गर्म करके जो है ना उसको खाएंगे। तो मैं जो है ना नहा लिया हूँ यहाँ पे, तो ठंडा पानी आ रहा था गाँव का ठंडा पानी, तो बहुत ही मज़ा आया नहाने का जो है ना, इन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने पौधों को पानी भी लगाया, आपको दिखाता हूँ वो भी, तो पौधों की मैंने कटिंग भी कुछ की है, तो अभी जो है ना इस वक्त मैं अपने रूम में हूँ, तो खाना जो है ना यहाँ मैं गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने के बाद जो है ना मैं उसे खाऊंगा, खाना घर से ही पक के आया, गर्म कर लिया, ये ओवन था इसमें मैंने जो है ना डाल के ये गर्म कर लिया, साथ थोड़े से सेब काट लिए, और इसके अलावा ये स्लाइस वगैरह हैं, तो बस ये जो है ना कुछ ही देर में जो है ना इसको अपना कमरे में ले जाता हूँ और खाऊंगा। ऑलरेडी ये देखें भरा हुआ था फिल्टर वाला, तो यही इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ना डेकोरेशन पीस है, और ये कमरा इस वक्त मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, ये देखें ये मैं हूँ, वॉशरूम भी बिल्कुल जो है ना टशंट कर दिया, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। मैंने जो है ना जाना था हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए, तो वहाँ से दवाई का जो है ना दवाई ले ली है, तो पहले ही यानी कि चेकअप वगैरह कराया हुआ था, बस मेडिसिन जो है ना वहाँ पूछनी थी ले ली है, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अगर आज जो है ना यहाँ पर अपने फार्म हाउस आया जाए, तो फार्म हाउस में जो है ना आया हूँ, तो मैं अभी आते साथ ही मैंने व्लॉग नहीं शुरू किया था, व्लॉग मैंने यहाँ पे आके शुरू किया, रास्ते की कुछ वीडियोस बनाई हैं वो ऐड कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी भी धोई है गैराज में, तो गैराज का मैं का कुछ फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पे बाहर जो है ना नलका लगा हुआ है, तो पाइप लगा के मैंने फिर गाड़ी धो ली, मैंने कहा चलें कुछ तो फ़ायदा हो यहाँ पे आने का, वहाँ गाड़ी धो नहीं सकते, वहाँ धोते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक वहाँ से रवान दवा रहती है, तो कुछ शॉप्स भी हैं तो वो ना सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पे गाड़ी धोते हैं, गाड़ी मैंने धो ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जो है ना खूबसूरत लग रही थी, अब बस कुछ ही देर में उस पर डीजल वगैरह लगा लूँगा। तो गाइस खाना शुरू कर दिया था, लेकिन खाने में ना धनिया नहीं डाला हुआ, तो मैंने कहा यार धनिया कहाँ से लाएँ, अब वो समझ आई कि वो हमने तो उगाया हुआ है, तो गाइस मैं तोड़ने जा रहा हूँ धनिया, आपको दिखाता हूँ, डालते हैं फिर जो है ना सालन में।
सालन में धनिया नहीं है, मैंने कहा मैं प्याज तो है लेकिन मैं कहा धनिया जो है ना डालते हैं। यहाँ से तोड़ते हैं धनिया, ठीक है गाइस, बड़ा बड़ा सा तोड़ते हैं, जो सबसे बड़ा है ना वो वाला तोड़ते हैं। जब घर में लगा हुआ है धनिया तो तोड़ते हैं। लें गाइस, ये तोड़ा एक, ठीक है, ये तोड़ा दो, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, एक ये तोड़ लेते हैं। ये लें गाइस फ्रेश जो है ना धनिया तोड़ लिया, ये देखें अब इसको सालन में डाल लेते हैं। धनिया को मैंने इस वक्त जो है ना धो लिया अच्छी तरह, अब इसको काट लेता हूँ, पते पते सिर्फ मैं खाता हूँ गाइस। तो मैंने कहा सालन में धनिया नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे ये बाजार से, पता चला जी हमारा तो अपना धनिया हमने उगाया हुआ है। गाइस देखें कितना खूबसूरत है फ्रेश, अब इसको अब काट के ना फिर डालते हैं। होता है अपने धनिया का उगाने का, तो कभी घर में नहीं मौजूद धनिया तो अपनी क्यारी से तोड़े काटें डालें अपने अपने सालन में और खाएं। तो गाइस धनिया से ना ज़रा सालन अच्छा लगता है, एक अपना टेस्ट है इसका, क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है जब दुकानों पे लोग चीज़ें लेने आते हैं ना सब्जी वगैरह, कहते हैं भाई आलू दे दें, गोभी दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो गोभी ले लेंगे 150 की या मटर ले लेंगे 200 रुपये किलो, लेकिन जब धनिया की बारी आती है लोग कहते हैं यार थोड़ा धनिया ही पा दे, मिर्चा ही पा दे, तो ये वो धनिया है, इसकी अहमियत ये है। वो कहता नहीं भाजी 30 रुपये का पैना है, 30 तो घट नहीं पैना, तो हम कहते नहीं नहीं यार फ्री पा दे, तो ये वो धनिया है गाइस। छुरी की जो है ना ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा छुरी से काट लूँगा, ये छुरी हाँ मिल गई है दस्ते वाली, इसको रिपेयर किया हुआ है ये देखें, तो बाकी इससे काटता हूँ, एक उसके साथ वो ले लेता हूँ, एक कटोरी, कटोरी में काटूँगा। ये देखें सालन में धनिया डाल लिया है, सालन है हमारे पास, दाल गोश्त और ये थोड़ी सी सलाद सी बनाई है प्याज, तो मैंने कहा ये साथ ये सेब थे तो काट लिए थे मैंने, तो मैं कहा अब इसका जो है ना लंच करेंगे। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है ना एक वो कहते हैं खामोशी सी है, तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, चाय बहुत ही जो है ना अच्छी लग रही है यहाँ पे खाने खाने के बाद, तो चाय को जो है ना मैंने कहा चाय लाजमी होनी चाहिए, तो चाय जो है ना पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद यहाँ से जो है ना थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर निकलूँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अपना पौधों को जो है ना पानी दे रहा हूँ, और गाड़ी मैंने धो ली थी आपको बताया था, ये पौधे इस वक्त देखें ग्रीन हुए पड़े हैं लश, इनको मैं पानी दे के जाऊँगा अब दोबारा से, ताकि जो है ना 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता आए ना, क्योंकि आते नहीं यहाँ पे, बारिश हो जाए तो पानी लग जाता है अदरवाइज़ नहीं लगता। करें ज़रा ग्रीन ग्रास हमारी माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना ग्रोइंग कर चुकी है, पहले जगह जगह पे पैचेस थे यहाँ पे, अब ये देखें तकरीबन हर जगह पे घास आ गई, थोड़ी थोड़ी जगह रह गई, ये होगी ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, उसकी फिर ये कटिंग करेंगे। और ये पौधे इनको मैं पानी लगा रहा हूँ ताकि 2-3 दिन जो है ना पानी का, ये हफ्ता क्योंकि बारिश आएगी तो पानी मिलेगा इन्हें, अदरवाइज पानी लगा रहा हूँ। सो गाइस ये है हमारी क्यारी की हालत इस वक्त, देखें माशाल्लाह, यहाँ पे साइडों पे धनिया भी उग गया, गमलों में भी धनिया उग गया, ये देखें साइडों पे, ये देखें ये धनिया ये अंदर धनिया, ठीक है, ये धनिया माशाल्लाह काफ़ी जो है ना बन गया। अब कल अगली दफ़ा जब आएंगे ना जब तोड़ेंगे इसे, वो वाला मैंने तोड़ लिया क्यारियों के अंदर वाला, ये वाला ये देखें, ये मैंने यहाँ से क्रॉस कर लिया, तोड़ लिया, ये देखें। अब नेक्स्ट जब आएंगे ना, जब इंशाल्लाह ये गमलों के जो करीब है ये वाला तोड़ लेंगे, ठीक है। हम घर वापस आ चुके हैं, तो आते साथ ही देखा है तो ये ना एक पार्सल आया हुआ है दराज से, तो पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं चल रहा, बट प्राइस लिखी हुई है, अब समझ नहीं आ रही कब मंगवाया क्या मंगवाया, तो बच्चे कहते हैं शायद ना इसमें फ़ोन है, तो मैंने कहा चलें देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो गाइस ये डब्बा आगे मजीद, इसको खोलते हैं। वाओ माशाल्लाह
ये तो वो है जो मैंने प्रिंटर मंगवाया था कितने अरसा पहले गाइस, गुड, माशाल्लाह 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 गाइस। ये प्रिंटर, इससे हम ना प्रिंट निकालते हैं, ये वो प्रिंटर मैंने निकलवाया मंगवाया था दराज से, और ये आज तकरीबन एक माह बाद जो है ना मुझे रिसीव हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या क्या है इसके अंदर, वायर है, इसका चार्जर है, ये इसकी एक वो है रोल है, और ये आई थिंक बैटरी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बैटरी है, बैटरी डालते हैं गाइस इसमें, बैटरी डाल दी, पावर ऑन करते हैं।